तो गाइज आज की वीडियो में हम व्रत वाला खाना बनाएंगे। इसमें हम बनाएंगे साबूदाना बड़ा। तो गाइज साबूदाना मैंने 4 घंटे के लिए भिगो दिया था और अच्छी तरह ये भीग कर फूल गया है और ये डबल हो गया फूल कर। और इसको मैंने 2 बार पानी में धोया था अच्छी तरह से। साबूदाना का पानी निकाल देंगे और इसको ले लेंगे हम इस तरह से निचोड़ के ले लेंगे। और इसको हाथों से हम मैश करेंगे। तो गाइज इसको अलग से पका कर मिक्सी में पीसने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट बनाकर दिखाऊंगी। ना ही हम इसको मिक्सी में पीसेंगे और ना ही इसको हम पकाएंगे। तो गाइज ये देखिए बस थोड़ा सा हल्के हाथों से और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। और इसमें हम 2 आलू डालेंगे, इसको भी हम हाथों से ही मैश कर लेंगे। तो गाइज आलू मेरे छोटे थे तो मैंने इसको इसमें 3 आलू डाल दिए हैं, अगर बड़े आलू हैं तो 2 डाल देंगे। अब इसको आलू के साथ अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है गाइज, इसमें झटपट बनकर तैयार हो जाता है। जब हम व्रत करते हैं तो हमारी इतनी ताकत भी नहीं रहती है कि हम ज़्यादा मेहनत करके अपना खाना बना लें, तो ये बड़ा आसानी से बन जाता है। तो गाइस इसमें हम थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे 1/4 चम्मच, आधा चम्मच हम व्रत वाला नमक डालेंगे, ये सेंधा नमक है, और 1 पैन चढ़ा देंगे। और 3 से 4 चम्मच घी डालेंगे, इसको हम ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करेंगे गाइस। और इसमें हम 1 से 2 हरी मिर्च भी डाल देंगे, इसमें हम हरा धनिया भी डाल सकते हैं। तो गाइस इस टाइम मेरे पास है नहीं तो मैं स्किप कर रही हूँ। तो गाइस इनको भी हम मिला लेंगे। तो गाइस अब हम हाथों पर थोड़ा सा घी लगाएंगे और घी भी हमारा गर्म हो गया है, गैस को मीडियम कर देंगे। और ये देखिए थोड़ा थोड़ा डो उठाएंगे हम और इसको हम टिक्के की शेप देंगे। ये वाली शेप भी अच्छी लगती है तो इस शेप में बना लेंगे और इसको चपटा कर देंगे इस तरह से। और गाइस इस तरह से हम छोड़ते जाएंगे। तो ये देखिए गाइज एक तरफ से सिक गया है तो इसको हम पलट देंगे। इसको हम मीडियम आंच पर सेकेंगे ताकि अंदर तक अच्छी तरह से सिक जाए और ये कच्चा ना रहे। और गाइज इसको हम दही के साथ, और दही में हम खीरा डाल सकते हैं, थोड़ा टमाटर हरी मिर्च डालकर दही के साथ और चटनी के साथ इसको खा सकते हैं। चटनी हम धनिया और पुदीने की बनाएंगे, टमाटर डालकर और सेंधा नमक डालकर हरी मिर्च डालकर। तो कोकोनट की भी बना सकते हैं गाइज, आपको जो चटनी पसंद हो आप वो बना सकते हैं। तो इसको दोनों तरफ से हम अच्छी तरह सेक लेंगे मीडियम आंच पर।
तो दूसरी साइड से भी ये सिक गया है, इसको भी पलट देंगे और देख लेंगे कि ये अच्छी तरह सिक गया है कि नहीं। ये देखिए गाइस, सिक गया अच्छी तरह से। तो गाइस हमारे बड़े अच्छी तरह से सिक गए हैं, अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। और गाइस आप इनको तवे पर बनाना, अच्छी तरह से बनेंगे। तो इस प्लेट में हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए गाइज, बड़ा बनकर हमारा तैयार है और एकदम करारा और कुरकुरा बड़ा बना है। तो गाइज इसी तरह से आप भी घर पर व्रत वाला खाना इसी तरह से बनाइए और झटपट बनकर तैयार हो जाता है। तो इसको चटनी के साथ या दही के साथ खाइए। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय गाइज।